जय हिंद दोस्तों, आप सबों को स्वागत करते हैं हम अपने इस YouTube चैनल पर। इसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का आंसर के लेकर आए हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट मिलाइए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, सन 1774 में बुबो राजवंश की लुई सोलहवीं किस देश के गद्दी पर आसन पर बैठा? जर्मनी, रूस, फ्रांस, अमेरिका। सही आंसर इसका वो फ्रांस। जॉन लॉक ने राजा के देवी और निकंस अधिकार के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो द ट्रिजन ऑफ गवर्नमेंट इसका सही आंसर पहला ही होगा। अब फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? 1974 में समाप्त कर दिया गया था, तो लिब्रे। नेक्स्ट, यूरोप ने निम्न से कौन से समूह वंश आधारित शासकों के अंतिम सत्ता के विरुद्ध था? उदारवादी। रूस में निम्न से किस प्रकार मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? इसका जो ऑप्शन होगा इनमें से सही चौथा नंबर होगा। युद्ध को समाप्त किया गया, सारी जमीन किसानों को हवाले की गई, बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। यूरोप में निम्न किसके विश्वास पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी? कार्ल मार्क्स। निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? जर्मनी। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? नाथसीवाद। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और गुमंती किसान के रूप में जाने जाते हैं? कुलंग। वन अधिनियम के चलते गांव वालों के निम्न से कौन सी गतिविधियों के कारण बन गए? घर में के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मुर्गी को फोड़ना, इनमें से सभी होगा। भोटिया शेरपर किनौरी समुदाय में लोग किसमें आते हैं? कृषक, जमींदार, चरवाहे, मजदूर। चरवाहे। उपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम का पारित किया था 1871 ईस्वी में? उत्तर में भारत को देश को लगभग दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? नेपाल। तीस्ता तथा देहांग निम्न में से किसके नाम जो असम हिमालय के संलग्न करती है? नदियों का नाम है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे जानते हैं? पीर पंजाल को। भारत के कौन सा राज्य सिंधु नगर तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच विभाजक कार्य करती है? अंबाला, हरियाणा। निम्न में से भारत के प्रांतीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी। महानदी गोदावरी तथा कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। नदियां अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है। वन किस प्रकार संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन। इसका नया निर्माण संभव है। वन क्षेत्र निर्माण किन किन कारणों से काम हो रहे हैं? घर, उद्योगों के विकास के होने कारण, शहरीकरण के परियोजना लागू होने कारण, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग कारण, इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन सा कारण भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य देश इसका डी नंबर। लोकतंत्र के लिए निम्न किसका होना जरूरी है? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का। चीन की संसद को निम्न किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस। दक्षिण अफ्रीका गौरव की सरकार ने नेशनल मंडल पर किस प्रकार मुकदमा चलाया था? देशद्रोह। 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न से किसने संघर्ष किया? अश्वेत लोगों ने। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? निर्वाचन आयोग। निम्न में से कौन से देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? राष्ट्रपति। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? संसद। निम्न में से कौन से जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसे देश का कानून बनाने, कर बनाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? विधायिका। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न से कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधित्व करना, अपने विचार को व्यक्त करना, इनमें से सभी। वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? राजनीतिक अधिकार।
पालमपुर के विभिन्न जातियों में कितने परिवार निवास करते थे? 450। निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? भूमि, श्रम, भौतिक, मानवीय पूंजी, इनमें से सभी। शहरी क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी। हरित क्रांति के समय निम्न में किसके? कृषि उत्पादन, दूध उत्पादन, कृषि उत्पादन। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, इनमें से सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष के कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है? 100 दिन। और फॉरेस्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन की कमी की समस्या को हल करना। धन्यवाद।